नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। जैसे जैसे मध्यप्रदेश उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही नेताओं की भाषाओं के स्वर भी तेजी से बदलने लगे हैं। आज की सबसे बड़ी सुर्खी, उपचुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा हथियार बना सिंधिया गद्दार। जी हां, और उसी स्वर को तेजी से आगे बढ़ाने में लगे हैं अरुण यादव। अशोक नगर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए सिंधिया पर अरुण यादव ने जमकर हल्ला बोला है। देखिए क्या है अरुण यादव के बिगड़े बोल। कहना चाहता हूं पत्रकार साथियों से, इस मध्य प्रदेश का अगर सबसे बड़ा कोई भू माफिया है, उसका नाम क्या है बताओ भाई? उसका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और उसी के पद चिन्हों पर चलने वाला इस अशोक नगर का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जज्जी है, गलत तो नहीं बोल रहा भाई? लोगों, वही मुखिया और वही उस मुखिया का चेला अशोक नगर में और ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में बैठकर भू माफिया बन गए। हमारे के मिश्रा जी यहां बैठे, मुझे अभी बता रहे थे पिछले 6 महीनों से ग्वालियर में बैठकर इनका काला चिट्ठा, इनके परिवार का काला चिट्ठा इस मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखने का काम कर रहे हैं। मुझे बताया अभी इन्होंने, आदरणीय कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के परदाता का जब स्वर्गवास हुआ, उसी दिन उनका एक वफादार कुत्ता था, उसका भी स्वर्गवास हो गया। एक समाधि परदादा जी की बनी और दूसरी समाधि उस वफादार कुत्ते की जो ग्वालियर में बनाई गई, और हमारे माननीय सिंधिया जी ने उस वफादार, ये तो वफादार नहीं है, ये क्या है? इन गद्दारों का एक वफादार कुत्ता था, उस कुत्ते की समाधि को भी 13 करोड़ में बेचने का काम किया गया है। ये शायद आपकी जानकारी में नहीं है। अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमारे बड़े भाई के मिश्रा जी से कृपा पूर्वक आप सभी पत्रकार साथी संपर्क करने का काम करें। न्यूज़ लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।